हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे OBS यूज करके जो बड़े लेंथ की वीडियोस होती है जिनकी साइज 2GB, 3GB, 4GB ऐसे होती है जिनको हम यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके साइज OBS यूज करते हुए कैसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कैसे हम VLC सोर्स कोड जो है वो OBS में यूज कर सकते हैं और OBS यूज करते हुए कैसे हम मल्टीपल वीडियो को मर्ज कर सकते हैं। इन तीनों के बारे में हम एक इसी वीडियो में जानेंगे। ये मेरी फाइल है जिसको मैंने कैमरा से शूट किया था, अपने टीचिंग वीडियो है, और इसकी लेंथ जो थी वो 2.4GB थी। जब मैंने OBS से कंप्रेस किया तो इसकी साइज हो गई 860MB, यानी अप्रॉक्सीमेटली 60% से 70% जो हुआ उसका साइज डिक्रीज हो गया। सबसे पहले हमें OBS ओपन करना है। OBS में जाकर हमें सीन ऐड करना है, इसको ऐड ओके कर देना है। हमारा सीन ऐड हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे सोर्स में। सोर्स में जाकर सेम प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, बट हमें यहाँ पे चूज करना है VLC वीडियो सोर्स। यहाँ पे हम नाम सेम रहने देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है। ये प्लस के साइन के थ्रू हम वो वीडियो ऐड कर सकते हैं जिस वीडियो का साइज हमें डिक्रीज करना है, जिस वीडियो का साइज हमें कम करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऐड फाइल पे जाएंगे। ऐड फाइल पे जाकर हमें वो वीडियो चूज करना होगा जिसका साइज हमें कम करना है। वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। हम चाहें तो ऐसे ही मल्टीपल वीडियो ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, यानी ऐड फाइल पे क्लिक करके। इसके बाद मल्टीपल वीडियो ऐड हो जाएगी और जो हमारा आउटपुट रहेगा वहाँ पे सारे वीडियो मर्ज होंगे, यानी कि एक ही वीडियो में ये सारे वीडियो आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम OBS यूज करके हम मर्जिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो वीडियो प्ले होने लगेगा। अब सबसे पहले हमें इसके फ्रेम को सही करना होगा। इसके फ्रेम को कंप्लीट स्क्रीन के लिए कर देता हूँ। इसके बाद हमें इस वीडियो को प्ले पे क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देना है। फिर ये वीडियो हमें पूरे एंड तक चलाना है, जहाँ तक कंप्लीट वीडियो है, उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे हमारा आउटपुट फाइल तैयार हो चुका होगा और वो हमें वीडियो में जाके मिल जाएगा, जैसा मैंने इस वीडियो में किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।